रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक आरा रमना रोड में हितनारायण क्षत्रिय विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्रों द्वारा संयोजक अमरेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में पूर्ववर्ती छात्र संघ के वार्षिक सम्मेलन की पूर्व संध्या पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पूर्ववर्ती छात्रों के साथ अन्य लोगों ने भी रक्तदान किया, जिसमें कुल 22 यूनिट रक्तदान हुआ। इसी कड़ी में कल 22/11/2020 को स्कूल में वार्षिक एलुमनी मीट का भी आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रक्तदान के प्रति युवा वर्ग में जागरूकता फैलाना और विद्यालय की गौरवशाली परंपरा को कायम रखना है। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद सिंह ने की, एवं छात्रों की उपस्थिति में भी बहुत ही सराहनीय रही। कार्यक्रम में डॉक्टर विजय गुप्ता, रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष मोहम्मद सरफराज अहमद, कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर निर्मल सिंह, श्री तारकेश्वर ठाकुर भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर रक्तदान की उपयोगिता को बताते हुए डॉक्टर विजय गुप्ता ने बताया कि रक्तदान सिर्फ समाज और मानवता की सेवा के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि यह व्यक्ति सबसे पहले स्वयं अपने को स्वस्थ रखने के लिए भी करता है, जो सबसे जरूरी है। यदि एक स्वस्थ व्यक्ति लगातार रक्तदान करता है तो वह कई बीमारियों से सुरक्षित रह सकता है। प्राचार्य योगेंद्र प्रसाद ने अपने सारे पूर्ववर्ती छात्रों को आशीर्वाद देते हुए उनके कार्यों की बहुत ही सराहनीय बताया। आज के कार्यक्रम में जिन छात्रों की उपस्थिति रही हुई जिन्होंने रक्तदान किया, उनके नाम इस प्रकार है: उत्पल दास, नीलेश कुमार गुल्लू, गणेश रंजन, पवन कुमार पांडे, अभय चंदन पांडे, प्रकाश कुमार, राकेश कुमार, अमरेंद्र कुमार सिंह, सुधीर शुक्ला, रंजीत कुमार, बिमलेश वैभव, अभय विश्वास भट्ट। और इस बार भी हमारे जो विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्रों का समूह है उसके 15 लोग रक्तदान स्वैच्छिक रक्तदान कर रहे हैं। ऐसे समय में जब कोरोना को लेकर ब्लड की आवश्यकता ज़्यादा बढ़ गई है और लोगों को प्लाज्मा और विभिन्न चीज़ों की जरूरत हो रही है, तो हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया। हालांकि पैंडेमिक के कारण हमारा कार्यक्रम शॉर्ट में इस बार हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं आ सके बाहर से, लेकिन कल भी जो हमारा मुख्य कार्यक्रम है वो विद्यालय के प्रांगण में प्रातः 9 बजे से शुरू होगा। और देश के अलग अलग कोने में जो भी हमारे पूर्ववर्ती छात्र हैं वो छठ के मौके पर आ रहे हैं, वो सारे लोग इसमें शिरकत करेंगे। हमने एक समाज में एक मैसेज देने की कोशिश की है कि पूर्ववर्ती छात्र होने के नाते भी विद्यालय का जो गौरव है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, और समाज का जो एक अलग अलग जो लोगों की एक अपेक्षा होती है, एक जिम्मेवारी होती है, उसका हम लोग यहाँ निर्वहन कर रहे हैं। अभी रुक जाएगा, आप डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है रक्तदान करने से पहले लोग काफी डरे होते हैं, डरते हैं ये रक्तदान करने से ये हो जाएगा, कमजोरी हो जाता है। सबसे पहले आप लोगों को ये भ्रम पहले निकालिए। मैं सबसे पहले एटीएम सिटी के दर्शकों को इस बीते हुए छठ पर्व के लिए ढेर सारा बधाई दे रहा हूँ और आने वाले साल के लिए उनको शुभकामना दे रहा हूँ। उनका आने वाला साल काफी सुखमय हो। हम लोग जैसा कि पता चल अभी है सभी को कि कोरोना के वजह से सारे लोग रक्तदान तो छोड़ दे, बाकी चीज के लिए भी बहुत सारे भयभीत है, क्योंकि हर कोई को अपने स्वास्थ्य की चिंता होती है और ये चिंता बेशक होनी भी चाहिए, इसलिए कि जब आप स्वस्थ रहेंगे तो समाज स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा तो आपका विश्व स्वस्थ रहेगा। जहाँ तक रक्तदान की साइड इफेक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर के अंदर जो हीमोग्लोबिन आरबीसी एक कण है उसमें मौजूद होता है, और उस आरबीसी और हीमोग्लोबिन का लाइफ क्यों कहे तो 120 दिन होता है। अगर आप रक्तदान नहीं भी कर रहे हैं तो आपके शरीर का जो हीमोग्लोबिन है, जो आरबीसी है, वो 120 दिन में खुद ब खुद खत्म होना है, मरना है। तो मैं आप सभी को, अपने जनता को इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप 120 दिन में अगर रिपीट ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो न सिर्फ किसी का जान बचा रहे हैं बल्कि अपने स्वास्थ्य के प्रति भी अपने स्वास्थ्य को और बढ़िया बना रहे हैं। क्योंकि जो हमारा ब्लड है अगर वो कमी के वजह से कोई बीमारी लेके आता है तो अधिकता के वजह से भी बीमारी लेके आपके शरीर में आता है, और यूं कहें तो बोलचाल के भाषा में अति भी बहुत चीज के विनाश का कारण होता है। तो ये ब्लड स्वैच्छिक रक्तदान आपके शरीर में एक उत्तेजना, एक स्फूर्ति और नए ब्लड के संचार का एक माध्यम है, और हम सभी को ये एक अपना संदेश देना चाहता हूँ कि जब भी मौका मिले 120 दिन के बाद, न कि साल में एक बार, हर 120 दिन के बाद आप
दान करें ताकि समाज में जरूरतमंद लोगों का भी कुछ भला हो सके और अपने शरीर का भी भला हो सके ताकि एक स्वच्छ और सुंदर समाज का निर्माण हो सके। रक्तदान को हम लोग इस तरह से देखें और मैं बहुत ही प्रभावित हूँ अपने छोटे भाई जितने भी हमारे पूर्ववर्ती छात्र हैं जो एक समाज में मैसेज देना चाहते हैं। समाज को बनाने के लिए केवल डॉक्टर इंजीनियर और बहुत बड़े पदाधिकारी की जरूरत नहीं होती, आप एक साधारण इंसान बन के भी समाज में कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसमें समाज के निर्माण में योगदान बहुत अच्छा खासा हो सकता है। और ये हमारे क्रिया विद्यालय का इतिहास है और हम इस इतिहास को आने वाले समय में अपने जीवन काल में ऐसे ही निरंतरण आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को कल क्षत्रिय स्कूल में पूर्ववर्ती छात्र कार्यक्रम है, आपका क्या कल कार्यक्रम में प्रस्तुति सुन रहे कुछ है? अब ये तो एक्चुअली कुछ चाह के नहीं होता है। हाँ, हमारे स्कूल का रिहर्सल कर लिया है इस बार। रिहर्सल हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि ये क्षत्रिय स्कूल का अपना गरिमामय इतिहास रहा है कि हम लोग हमेशा प्रिपेयर ही रहते हैं, तो रिहर्सल की जरूरत नहीं है। कल शानदार प्रस्तुति रहेगा एकदम। आइए थोड़ा सा विवादी से बात किया जाए, आज विवादी ये बताया जाए, आज जो क्षत्रिय स्कूल के पूर्ववर्ती छात्र हैं, छठ खत्म हो चुका है और जो कार्यक्रम के पूर्व संध्या पे आज ये रक्तदान कर रहे हैं, कितना ज़्यादा प्रभावशाली होगा लोगों के लिए मैसेज? नहीं, मैसेज तो बहुत प्रभावशाली होगा। पूर्ववर्ती छात्र संघ क्षत्रिय स्कूल के पिछले 4 वर्षों से निरंतर इन लोगों का प्रयास है और वर्ष में एक बार ये सारे के सारे छठ के लगभग छठ के समय में ही, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे इनका जो तिथि पड़ता है जो ये लोग मनाते हैं अपना उत्सव, तो ये लोग जरूर रक्तदान करते हैं। मिनिमम 15 और मैक्सिमम 25 तक छात्र यहाँ गए हुए हैं और ये 4 सालों से लगातार अनवरत ये प्रक्रिया चल रही है। तो इससे एक मैसेज तो युवा वर्ग में ये जाता है कि जब हमारे पूर्व के छात्र इतने एक्टिव हैं तो जो वहाँ नौजवान प्लस टू में जा रहे हैं या उससे आगे जो कॉलेज में जाएंगे, ये बहुत बड़ा मैसेज जाता है। एक बात मैं रुकना चाहूँगा, 4 दिन का महापर्व छठ, काफी लोग थके हुए, इसमें इतना उत्साह कि आज लोग आकर रक्तदान कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा एक तरीके से लोगों के पास संदेश होगा क्योंकि थकान के बीच में ये युवा हैं जो सीनियर हैं या जो भी प्रवर्तक छात्र हैं, जब ये रक्तदान कर सकते तो वो लोग जो घर में आराम करते वो क्यों नहीं आते हैं? छठ पर्व बिहार की पहचान है और बिहार की पहचान युवा है। जैसा कि आपको मालूम है कि भोजपुर की धरती पर वीर कुंवर सिंह का इतिहास रहा है और 80 वर्ष में ही यहाँ युवावस्था शुरू होती है, तो ये एक मिसाल है कि जिस तरह अभूतपूर्व महान पर्व है उस पर्व का ये लोग एक तरह से पालन करते हैं। मैं यही कहूंगी कि ये भगवान सूर्य देव को ये लोग पारण स्वरूप ये अर्घ दे रहे हैं कि कल तक आपकी पूजा की आज सुबह में और आज हम समाज के लिए आपसे प्रेरित होकर जिस तरह सूर्य अपनी रोशनी देते हैं, ये बच्चे भी आकर के यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं। ये बहुत